अस्सलाम वालेकुम, रफी के जायके में आप सभी को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे पनीर काठे रोली। हमने लिया है गेहूं का और मैदा हमने लिया नहीं, आप मैदे से भी लगा सकते हैं। अक्सर रोल वोल जितने भी होते हैं, चाहे वो अंडा रोल हो, काठे रोल हो, वेज या नॉन वेज कुछ भी हो, वो सब उससे लगाते हैं, लेकिन मेरे को बेहतर लगता है कि नुकसान ना हो वो काम करें। तो इस वजह से हमने आटा ले लिया है गेहूं का। तो थोड़ा सा हम पहले नमक डाल देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे बटर, पानी और रोटी का आटा जिस तरह लगाते हैं चपाती का, उस तरह हम इसे गूंद लेंगे। तो गाइस थोड़ा सा हम तेल लगा के थोड़ा मुक्की मार देंगे, रेव करके रख देते हैं 10-15 मिनट। ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, उस बीच में हम पनीर को ठीक कर लेते हैं। तो गाइस 1.5 टेबल स्पून हमने दही ले लिया है और ये रहा हमारा पनीर। पनीर करीब 100 ग्राम है हमारा और क्यूब में हमने काट लिए हैं छोटे छोटे। अब अगर आप, हम तंदूरी मसाला बनाने वाले हैं, ठीक है, तो इसी को अगर आप बड़ा क्यूब काट लेंगे और पनीर टिक्का यानी कि आप स्क्यूअर करके तंदूर में सेक लेंगे तो पनीर टिक्का काठी रोल हो गया। और यही चीज अगर आप छोटे काट लेते हैं या बड़े ही काटे मसाले में लगा के सोते कर लेते हैं फिर उसके बाद में आप बनाते हैं तो वो हो गया पनीर काठे रोल, ठीक है। तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो पहले हम मसाला बना लेते हैं। नमक 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हम काला नमक भी डालेंगे, 1 टीस्पून देगी मिर्च, 2 टेबल स्पून राई का तेल, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 पीस लेमन। अब इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब पनीर हम इसके अंदर डाल के और मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस थोड़ा पेड़ा काट लेते हैं और उसके बाद पेड़ा हम पेच लेते हैं, उसके बाद में पनीर को ठीक करेंगे। जब तक कि यह सॉफ्ट होगा हमारा पेड़ा तब तक उधर हमारा पनीर हो जाएगा। पेड़ा हो गया भैया रेडी हमारा, यही क्लीन फॉइल हम लगा देते हैं उसके ऊपर तब तक के सूखे ना। तो अब हम पेच लेते हैं। पराठा जब पेचा हुआ होता है ना, भले काठी रोल, देखो काठी रोल रुमाली में भी लोग बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेचे हुए पराठे की बात कुछ और है। अब इसके अंदर हम ये लगा दिया, थोड़ा सा इसके ऊपर हम मैदा मार देंगे, क्योंकि जो आपका पेच खुलता है वो मैदा के कारण ही खुलता है। अगर आपको पेचने की समस्या होता है तो डायरेक्ट देखो इस तरह सबसे इजी है, ठीक है। ये देखो हम लोग तो क्या कैसे भी पेच लेते हैं, ये आप लोग जिसको समझ में नहीं आता हो उसके लिए ये पेच बढ़िया रहेगा। बस इस तरह करके थोड़ा सा दबा दिया, चौड़ा हो गया, अब यहाँ उठाया, ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नीचे यहाँ दबा के और रख देना है, बस ये हो गया। बस इसी तरह हम सबको कर लेते हैं। तो जो मैरिनेशन हमने किया था वो पनीर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको धीरे धीरे से बढ़िया हम पका लेंगे। वैसे पनीर पका हुआ होता है, थोड़ा जो हमने मसाले मिलाया हुआ है उसको थोड़ा ड्राई करना रहता है बस। तो गाइस आप समझो ये हमारा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल में ये हमारा बेल पेपर, ग्रीन, येलो और
रेड, थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे। इसका सीड हमने निकाल दिया है, मिक्स किया। इसको ज्यादा हमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देख रहे होंगे एक सब निशान दिख रहे हैं, यानी कि अच्छी तरह से पक गया है। तो अब इसे हम निकाल देते हैं, रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों अब स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हमने मैदा मार दिया है और यूं पहले हम दबा लेंगे। तो पराठा हमारा रेडी। हम लगा देंगे हरी चटनी। थोड़ा कैबेज हम रखेंगे बढ़िया से, थोड़ा सा ओनियन, थोड़ा सा हम टमाटर और रखेंगे। केचप के बाद ये आ गया लेमन, और अब इसे हम बढ़िया से टाइट लपेट देंगे। पनीर का ठेर रोल बना के हमने रेडी कर दिया है। रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना।